सबसे पहले बात बस दुर्घटना की। सोमवार को अल्मोड़ा जिले के मरचूला में एक यात्री बस गहरी खाई में गिर गई थी, जिसमें कुल 36 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 27 घायलों का इस वक्त इलाज चल रहा है। बस पौड़ी से रामनगर जा रही थी। गढ़वाल यूजर्स की बस करीब 100 मीटर गहरी खाई में गिरी, जिसमें 28 लोगों की मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 8 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घायलों को रामनगर, हल्द्वानी, ऋषिकेश के अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। घटना के बाद से इलाके में शोक की लहर है। सूचना पर मौके पर पहुंची SDRF और फायर ब्रिगेड की टीम और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर रेस्क्यू कर घायलों को वहां से बाहर निकाला गया। 42 सीट की बस में कुल 62 लोग सवार थे। ये लोग दिवाली मनाकर वापस लौट रहे थे, जब ये बड़ा हादसा हुआ। आ रहे थे, मेरे को मरचूला में उतरना था। मरचूला से पहले ही बैंड पर गाड़ी का कुछ पार्ट वार्ट खराब वराब हुआ, ओवरलोड हुई, गाड़ी सीधे गई नीचे, मेरा पैर दब गया, पैर में चोट आ गई और कमर में। गाड़ी स्पीड में थी, गाड़ी को काबू नहीं कर पाया, वो आवाज़ आई गाड़ी में और उसके बाद सीधे गधेरे में निकल गई गाड़ी। ओवरऑल लगभग 60 के अराउंड इसमें सवारी थी, जो मैं कह सकता हूँ कि संभवतः ज़्यादा ही रही होगी। क्या कारण रहा होगा एक्सीडेंट का, ये अभी कह पाना मेरे लिए बड़ी जल्दबाजी की बात है, क्योंकि पहला हमारा काम रेस्क्यू का था, जो घायल है उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाए और जो मृतक है उनको हम पंचनाम वगैरह पोस्टमार्टम करके उनकी बॉडी हम हैंडओवर करते हैं। और अल्मोड़ा हादसे के बाद सीएम थामे खुद मोर्चे पर लगे हुए हैं। घायलों का हाल जानने के लिए सीएम थामे रामनगर के अस्पताल पहुंचे। सीएम थामे ने घायलों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। सीएम ने घायलों के परिजनों को मदद का भरोसा दिया और कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह से इलाज का खर्च उठाएगी और जो भी इलाज की जरूरत होगी वो उसे दिया जाएगा। वहीं पौड़ी गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी मरचूला हादसे के बाद रामनगर पहुंचे। यहां पर अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। अनिल बलूनी अस्पताल में घायलों और उनके परिजनों से मिले और पूरी मदद का भरोसा दिया। अनिल बलूनी ने कहा कि सभी घायलों को उचित इलाज मिलेगा। आपको बता दें कि पौड़ी से रामनगर आ रही बस अल्मोड़ा के मरचूला में हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 36 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 27 लोग इसमें घायल हुए हैं। वहीं हादसे के बाद घायल 27 लोगों में से रामनगर हॉस्पिटल में भर्ती 5 घायलों का इस वक्त इलाज चल रहा है। ऋषिकेश एम्स से आए डॉक्टर्स की टीम की निगरानी में घायलों का इलाज किया जा रहा है और 5 घायलों की हालत अभी इस वक्त स्थिर बनी हुई है, जबकि 22 घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। और अल्मोड़ा बस हादसे में गंभीर 7 घायलों को हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनका इस वक्त इलाज जारी है। वहीं रामनगर से रेफर होकर कल देर रात 2 घायल सुशीला तिवारी अस्पताल लेकर आए गए, जिसमें से एक की हालत इस वक्त गंभीर बनी हुई है। सुशीला तिवारी अस्पताल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम इन घायलों के इलाज के लिए तैनात की गई है, ताकि इनका समुचित इलाज हो पाए। अल्मोड़ा हादसे के 3 घायलों को एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स लाया गया, जहां पर ट्रॉमा सेंटर में उन्हें भर्ती करा दिया गया। इस वक्त उनका इलाज जारी है। कल स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने अल्मोड़ा हादसे से घायलों को देखने के लिए ऋषिकेश एम्स पहुंचे थे। हल्द्वानी से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अल्मोड़ा बस दुर्घटना में आज से मजिस्ट्रेटी जांच शुरू कर दी जाएगी। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत इस बस दुर्घटना की जांच करेंगे। दुर्घटनाग्रस्त बस की फिटनेस पर सवाल उठने के साथ साथ रोड सेफ्टी पर भी सवाल अब उठ रहे हैं। रोड किनारे पैराफिट ना होने से सीधे खाई में ये बस गिरी। वहीं 15 साल पुरानी बस का RTO से 42 सीट से पास किया गया था, लेकिन बताया जा रहा है कि 42 सीट से ज्यादा इसमें 62 लोग सवार थे। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो इस बस दुर्घटना के बाद अब सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर आज से मजिस्ट्रेटी जांच की शुरुआत हो जाएगी।
अल्मोड़ा जिले के मारचूला में एक यात्री बस खाई में गिर गई, जिसमें कुल 36 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 27 घायलों का इस वक्त इलाज चल रहा है। पौड़ी से रामनगर ये बस आ रही थी। गढ़वाल यूजर्स की ये बस थी, जिसमें जो कि 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई। इसमें 28 लोगों की मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 8 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ा, यानी कि अस्पताल में दम तोड़ा। घायलों को रामनगर, हल्द्वानी और ऋषिकेश के अस्पताल में इस वक्त एडमिट करा दिया गया है। घटना के बाद से इलाके में शोक की लहर है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, SDRF और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है। स्थानीय लोगों के साथ मिलकर इन सभी घायलों का रेस्क्यू किया गया। 42 सीट की बस में कुल 62 लोग सवार थे। ये लोग दिवाली मनाकर घर वापस लौट रहे थे, जब यह हादसा हुआ। घटना हुई है मरचुला सारोड बैंड से, नदी में बस गिर गई, उसमें पहाड़ और सड़क हादसों का चोली दामन का साथ रहा। अल्मोड़ा के हादसे ने एक बार फिर डराया है, तो नैनीताल जिले में भी कई ब्लैक स्पॉट अब तैयार हो गए हैं। नैनीताल का भूमियाधार ब्लैक स्पॉट के तौर पर तैयार हो गया है। सड़क पर अतिक्रमण आज तक नहीं हटाया जा सका है। सड़क पर ही पार्किंग बन जाने से कई हादसे यहां हो चुके हैं। आए दिन हो रहे हादसों के बाद भी नैनीताल प्रशासन इस तरफ आंख बंद किए बैठा हुआ है, तो हाई कोर्ट के आदेशों का भी खुला उल्लंघन वन विभाग से लेकर लोक निर्माण विभाग तक कर रहा है। जिस तरह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कई आदेश करे हैं कि रोड किनारे अतिक्रमण ना किया जाए, लेकिन फिर भी दिन के दिन रोज अतिक्रमण बढ़ते जा रहा है, जिससे यातायात में बाधा हो रही है। कई बार इस रोडों पर घटनाएं हो गई है, फिर भी प्रशासन जाग नहीं रहा है। गौरतलब है कि इसी सड़क से देश भर के पर्यटक कैची धाम से लेकर भीमताल, भवाली, रामगढ़, मुक्तेश्वर का सफर करते हैं, तो VIP लोगों का भी इसी सड़क से आना जाना है। बावजूद इसके ना तो यहां से अतिक्रमण हटा और ना ही इस खतरे को कम किया गया। हालांकि जिला प्रशासन इसको अब सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के बाद कार्रवाई की बात कर रहा है। ये एक्सीडेंट स्पॉट डेवलप हो रहा है, इसके बारे में मेरी नॉलेज में आया है। हम सड़क सुरक्षा समिति होती है, उसके माध्यम से इसको एग्जामिन कराएंगे और जो भी रिकमेंडेशंस होंगे उसके अनुसार आगे की कार्रवाई करी जाएगी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि कई स्थानों पर ऐसे स्पॉट तैयार हुए हैं और खतरा बड़े सड़क हादसों का लगातार बन रहा है। अगर इनको हटाया नहीं गया तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। न्यूज 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिस्ट की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के झंडा बुग्याल श्रीकंठ ट्रैक पर लापता ट्रैकर को SDRF और आपदा प्रबंधन की टीम ने सकुशल रेस्क्यू किया। ट्रैकर सुमित 2 नवंबर को इस ट्रैक पर गया हुआ था, जो अपने साथियों के साथ से लापता हो गया था। आपदा कंट्रोल रूम को सूचना के बाद एक संयुक्त टीम मौके के लिए रवाना कर दी गई। देर रात युवक को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया। ट्रैकर सुमित ने बताया कि वो जब रास्ता भटक गया, तब उस दौरान एक रात उसने पत्थरों के बीच बिताई। जिला प्रशासन के तुरंत हरकत में आने के बाद लापता ट्रैकर की जान बच सकी। मैंने सोचा अदर रास्ते से आता हूँ, तब तक ले वही हो गया, कोहरा हो गया, अंधेरा हो गया, रास्ता मिला ही नहीं। कहाँ रहे आप? फिर मैं उधर चले गया श्रीकंठ के आगे आगे से, उधर से भी था ना रास्ता, इधर से मिल नहीं रहा था रास्ता, तो मैंने उधर ही से गया। अच्छा, तो वहीं रुका था रात भर, वहीं रहे, मतलब 12 बजे तक चलता रहा मैं, पर मिला नहीं उसके बाद तक रास्ता। तो आपने कोई आवाज, कोई मोबाइल वोबाइल कुछ संपर्क नहीं? इसमें नेटवर्क ही नहीं था ना, कोशिश की मैंने। अच्छा, इमरजेंसी कॉल की लास्ट नाइट। तो ठीक है, फिर सुबह की संपर्क कैसे हुआ फिर? मैं मिल गया नहीं, आप किसको मिले? किसको मिले आप? अभी मिला मैं खुद ही आ रहा था, मुझे लगा ये खाना बना रहे शायद। अच्छा अच्छा, और ये फ्लैश मार रहे थे, तो मैं जल्दी जल्दी गया इनके पास, देखा थे तो हम तो निकल रहे थे। हरिद्वार में महिला साध्वी को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने वाले फर्जी साधु को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अशोक कुमार ने महिला साध्वी के आश्रम को हड़पने के लिए पहले उसके साथ नजदीकी बढ़ाई और फिर संबंध बनाए, लेकिन जब महिला साध्वी ने आरोपी से मिलना बंद कर दिया तो उसने पहले से बनाई हुई अश्लील वीडियो वायरल कर दी। पीड़ित महिला की शिकायत पर कनखल थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी अशोक कुमार को गिरफ्तार कर कोर्ट में भेज दिया है। आरोपी 10 साल इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत भी कर चुका है।
हरिद्वार में सड़क पर महिला से अभद्रता करना तीन युवकों को बहुत भारी पड़ गया। महिला की शिकायत पर पहुंची पुलिस युवकों को पकड़कर थाने लेकर गई और मनचलों को हवालात में रात बितानी पड़ी। मादराबाद थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि क्रिस्टल वर्ल्ड के पास बाइक सवार मनचले महिला की गाड़ी को रोककर उसके साथ अभद्रता कर रहे हैं। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने तीनों आरोपी को शांति भंग करने के लिए चालान भी किया। एक सितंबर को हरिद्वार के बालाजी शोरूम में हुई 5 करोड़ की डकैती के मामले में गैंग का सरगना अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। हालांकि पुलिस ने साजिश में शामिल होने के आरोप में आरोपी सुभाष की पत्नी उसके ताऊ चाचा को गिरफ्तार किया है। पुलिस डकैती कांड में शामिल रहे तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेजा जा चुका है। 2 महीने से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी दिल्ली निवासी गैंग का सरगना अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है जहां पर वनकर्मी पर अजगर ने हमला कर दिया है। रेस्क्यू के दौरान अजगर ने वनकर्मी पर हमला कर दिया। अजगर ने डसकर वनकर्मी को घायल कर दिया है। अस्पताल में इस वक्त वनकर्मी का इलाज चल रहा है। लालढांग में एक दुकान में ये अजगर निकला था। जब वनकर्मी इसका रेस्क्यू करने पहुंचा तो बताया जा रहा है कि इसने डसा, जिसकी वजह से वो घायल हो गया है। फिलहाल इस वनकर्मी का इलाज अस्पताल में चल रहा है। चमोली के जोशीमठ औली मोटरमार्ग पर सड़क पर एक बार फिर से गड्ढे हो गए हैं, लेकिन अभी तक गड्ढे को ठीक नहीं किया जा सका है, जिससे लगातार पानी का रिसाव हो रहा है और ये आबादी वाले इलाकों में पहुंच रहा है। 2023 की आफत के बाद भी विभाग सबक लेने को तैयार नहीं है। बीआरओ और पीडब्ल्यूडी को बार बार स्थानीय लोगों ने शिकायत की, लेकिन अभी तक गड्ढे को ठीक नहीं किया गया। इन्हीं कारणों से इलाके में लगातार पानी का रिसाव हो रहा है और साथ ही साथ भू धसाव भी हो रहा है। उत्तर भारत के यूनिवर्सिटीज के कुलपतियों का आज से देहरादून में 2 दिन का सेमिनार शुरू होने जा रहा है। सेमिनार इस बात पर होगा कि टेक्नोलॉजी में आ रहे बदलावों को किस तरह यूनिवर्सिटीज उच्च शिक्षा में इस्तेमाल कर सकती है, ताकि स्टूडेंट्स और फैकल्टी दोनों अपडेट रह सके, उनको फायदा भी मिल सके। सेमिनार का आयोजन एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज ऑफ ग्राफिक एरा मिलकर करा रहा है। ये उत्तराखंड के लिए बहुत ही विशेष अवसर है कि पूरे नॉर्थ जोन के यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स की मीट यहाँ पे हो रही है और AIU का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी को वेन्यू इसके लिए चुना। और यहाँ पे कटिंग एज टेक्नोलॉजीज के बारे में बात होगी और जैसे AI है, वर्चुअल रियलिटी है और इसके साथ साथ साइबर सिक्योरिटी है, ब्लेंडेड मोड ऑफ एजुकेशन है, इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत मंथन होगा। अलग अलग यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स होंगे तो हर यूनिवर्सिटी की अपनी स्ट्रेंथ है, तो हम लोग एक दूसरे की स्ट्रेंथ भी जो है शेयर कर सकते हैं और कनेक्टिविटी का बहुत अच्छा मौका रहेगा। नहाय खाय के साथ आज से पूर्वांचल के सबसे बड़े महापर्व छठ के लिए त्रिवेणी संगम पर साफ सफाई कर पूजा की विधि तैयार करने का काम चल रहा है। गंगा तट पर छठ पूजा के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु आते हैं। आज गंगा में डुबकी लगाकर पूर्वांचली श्रद्धालु नहाय खाय के साथ छठ पूजा की तैयारी में जुट गए हैं। घाटों पर वेदी निर्माण शुरू हो चुका है। तस्वीरें हम ऋषिकेश की दिखा रहे हैं कि वहां पर किस तरह से छठ पूजा की तैयारी चल रही है। घाटों पर अब जो लोग जिनके परिवारों में छठ पूजा होती है वो वेदी बनाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हजारों की संख्या में लोग आते हैं, आप सबके लिए हो पाएगा तभी अपना नाम लेंगे, तभी रिजर्व हो पाएगा। जी जी, तो आप इसको अब किस तरह से डिजाइन करेंगे, कैसे बनाएंगे इसमें? अब इस पर हम अपना कलर करेंगे, फिर नाम लिखेंगे, आगे यहाँ पे रेता डाल के फूल फाल डालेंगे। हाँ जी, हाँ जी। भगवान केदारनाथ की टोली ने कल रात्रि प्रवास विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी में किया, जिसके बाद आज सुबह टोली सुबह प्रस्थान कर अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ रवाना हो चुकी है। इसमें बाद में पौराणिक परंपरा अनुसार विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद आज बाबा केदार अपने शीतकालीन गद्दी स्थल से विराजमान हो जाएंगे। अब शीतकाल के 6 महीने बाबा केदार की पूजा अर्चना ओंकारेश्वर मंदिर में ही की जाएगी। बढ़िया जी, बढ़िया।
उत्तराखंड में तीन धामों के कपाट बंद हो गए। रविवार को केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट पूरे विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। वहीं शनिवार को गंगोत्री धाम के कपाट बंद किए गए थे। इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर को बंद कर दिए जाएंगे। बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों के आने का सिलसिला अभी भी जारी है। इस बार चारों धामों में रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंचे, जिससे पर्यटन से जुड़े कारोबारी भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि केदारनाथ के अगले 6 महीने तक पूजा अर्चना ऊखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में होगी। वहीं मां गंगा की पूजा मुखबा में होगी और मां यमुना की पूजा उनके शीतकालीन प्रवास खरसाली में होगी। रुद्रप्रयाग में तृतीय केदार तुंगनाथ मंदिर के कपाट बंद हो गए हैं। सुबह 11 बजे पूरी विधि विधान के साथ तुंगनाथ के कपाट बंद कर दिए गए। सुबह की पूजा के बाद 10 बजे से मंदिर गर्भगृह में कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, जिससे पहले भगवान तुंगनाथ के स्वयंभू शिवलिंग को श्रृंगार रूप में समाधि स्वरूप में ले जाया गया। इसके बाद कपाट बंद हुए और भगवान तुंगनाथ की डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर मक्कू मठ के लिए रवाना हो गई। वहीं डोली का आज रात्रि प्रवास चोपता में होगा। कल चोपता से डोली दूसरे पड़ाव भनकुन प्रवास करेगी। वहीं 7 नवंबर को भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह डोली मार्केटेश्वर मंदिर पहुंचेगी, जहां पर शीतकाल में तुंगनाथ भगवान की पूजा अर्चना की जाएगी। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद दोनों धामों में सन्नाटा पसर गया। वहीं सभी व्यापारी निचले क्षेत्र की ओर लौट आए हैं। अगले 6 महीने साधु संत इस घाटी में निवास और साधना करते हैं। वहीं गंगोत्री धाम में गंगोत्री नेशनल पार्क के जवान गश्त करते देखे जाएंगे। गंगोत्री धाम में कपाट बंद होने के बाद हालात कैसे, हमारे संवाददाता ने वहां का जायजा लिया। धाम में कपाट बंद होते ही गंगोत्री धाम पूरे क्षेत्र में सन्नाटा पसर गया है। हम आपको तस्वीरें दिखा सकते हैं किस तरह से जो दुकानें जगमग रहा करती थी 6 माह कपाट खुलने के दौरान, वो पूरी तरह से बंद हो गई और पूरी घाटी में सन्नाटा पसर गया। और अगले 6 माह यहाँ पे सिर्फ साधु संत और जो गंगोत्री नेशनल पार्क के जो कर्मचारी है वही रहेंगे और पूरी तरह से सन्नाटा इस घाटी में देखा जाएगा, कोई चहलकर्मी नहीं रहेगी। और ये तस्वीरें बयां करती है कि कपाट खुलने के बाद किस तरह के हालात गंगोत्री धाम में हो जाते हैं। और इस समय अपडेट यही है कि कपाट बंद होने के बाद पूरी तरह से सन्नाटा गंगोत्री धाम में फैल चुका है। अभी कुमार, न्यूज 18, गंगोत्री धाम, उत्तरकाशी। गंगोत्री धाम में 1100 लीटर का गंगाजल से भरा कलश नेपाल के पशुपतिनाथ के लिए रवाना हुआ। ये कलश यात्रा कई पड़ाव से गुजरते हुए 11 नवंबर को नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचेगी, जहां पर इस जल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाएगा। पिछले कई सालों से गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद गंगाजल को पशुपतिनाथ के लिए रवाना किया जाता है। गंगोत्री के दिव्य जल से भगवान पशुपतिनाथ का पूरे वर्ष पर्यंत अभिषेक होता है, जिसके लिए विगत वर्ष हमने 900 लीटर का एक कलश बनाया था। इस वर्ष 1100 लीटर का जो विश्व में सबसे बड़ा कलश है। केदारनाथ यात्रा पूरी हो चुकी है, लेकिन अगली बार के लिए नए पैदल रास्ते की तलाश शुरू हो चुकी है। त्रिजुगी नारायण और काली मठ के रास्ते खोजे जा रहे हैं। हर साल केदारनाथ में बढ़ती भीड़ और आपदा के हालात में लोगों को निकालने के लिए ऑप्शन तलाशे जा रहे हैं। जरा देखिए रिपोर्ट। तीन नवंबर को केदारनाथ के कपाट बंद हो चुके हैं। अब 6 महीने बाद साल 2025 में कपाट खुलने पर यात्रा की शुरुआत होगी। चार धाम में सबसे कठिन यात्रा केदारनाथ की है, जहां 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। लेकिन पैदल रास्ते और मुश्किल हालात के बावजूद हर साल सबसे ज्यादा यात्री यहीं पहुंच रहे हैं। इस साल भी पूरे सीजन में 16 लाख यात्री केदारनाथ पहुंचे, जबकि 1 अगस्त से 15 सितंबर के बीच यात्रा ठप रही। आपदा के चलते पैदल रास्ता जगह जगह बह चुका था, टूट चुका था। बढ़ती भीड़ और ऐसे हालात को देखते हुए केदारनाथ के लिए ऑप्शनल रास्ता खोजे जाने लगे हैं। 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ में काम कर चुके कर्नल अजय कोटियाल अलग अलग रास्ते खोजे जाने में जुटे हैं। इन दिनों अजय कोटियाल त्रिजुगी नारायण और केदारनाथ के बीच पैदल रास्ता खोज रहे हैं, तो इस काम में पूरी टीम भी उनके साथ है। और रिकमेंड हमने करा था केदारनाथ यात्रा और इस एरिया में जो आते हैं टूरिस्ट उनके लिए तीसरा वाला, जो की रेखाधार, चौमासी खाम, रेखाधार और
उसके बाद जो भी ऑप्शन लिया जाए। और जो हथनी वाला था वो क्योंकि माउंटेनियर्स के लिए रास्ता फिट है तो उसको हमने एक रूटीन उसमें रिकमेंड नहीं करा था। सोनप्रयाग और केदारनाथ के बीच जिस ट्रैक पर अभी यात्रा चलती है उस पर यात्रियों का भारी दबाव है। पैदल यात्रियों के साथ घोड़े, खच्चर, डंडी कंडी वाले भी इस रास्ते से आते जाते हैं। ऐसे में साल दर साल बढ़ रही भीड़ को देखते हुए कालीमठ चौमासी रूट को भी देखा जा रहा है, लेकिन कस्तूरी हिरन सेंचुरी इसमें बड़ी रुकावट है। इसी पर अब केंद्र सरकार से बात करने की तैयारी है। निश्चित रूप में हम केंद्र सरकार को भी लिख रहे हैं कि वहां पर जो कोट माहेश्वरी से कालीमठ कोट माहेश्वरी से होते हुए कुबेर गुफा के अंदर जो हम निकले, थोड़ा सा उसके अंदर जो है वो मस्क डियर सेंचुरी आ रही है तो उससे समस्या खड़ी हो रही है। परंतु अगर हम अध्ययन करें तो हमें केदारनाथ कितनी बड़ी यात्रा होती है उसके अंदर इवैक्यूएशन रूट को हमें तय करना होगा कि लोग कल कैसे निकले। केदारनाथ में जिस तरह यात्री बढ़ रहे हैं तो लाखों की भीड़ को मैनेज करने के लिए पैदल रास्ते के ऑप्शन खोजे जा रहे हैं। नए रास्तों में दूरी से लेकर सिक्योरिटी को देखा जा रहा है ताकि यात्रियों को आसानी से लाया और ले जाया जा सके और जल्द से जल्द नया रूट शुरू हो सके। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। बागेश्वर के कपकोट में दुर्गम गाँव सोरांग में अभी तक सड़क की सुविधा नहीं मिल सकी है। सोरांग गांव को जोड़ने के लिए पिंडर नदी पर पुल ना बनने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रविवार को गांव की दो महिलाएं घास काटते समय पहाड़ी से गिर गई। गांव पर दीपावली में घर आए युवकों ने दोनों को डोली में रखकर 11 किलोमीटर पैदल चलकर मुख्य सड़क तक पहुंचाया, जहां से उन्हें गाड़ी से जिला अस्पताल ले जाया गया। दोनों महिलाएं रविवार से ही घायल थी, लेकिन सोमवार को उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा सका। हमें कल ले जाना, क्योंकि कल दोनों इंजर्ड हो चुके हैं, तो कल ले जाना चाहिए था। हमारे पास मोटर मार्ग की सुविधा होती तो हमको कल ही ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक पहुंच जाते तो इनका इलाज होता था, लेकिन मोटर मार्ग न होने के कारण, पुल न होने के कारण, रोड की स्थिति सही नहीं होने के कारण तो आज हम यहाँ पर। केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत और बीजेपी ज्वाइन कर चुकी उनकी बहू अनुकृति गोसाई आमने सामने होंगे। बीजेपी चुनाव प्रचार में अब अनुकृति को उतारने जा रही है। केदारनाथ में अनुकृति की एंट्री बीजेपी का कांग्रेस पर काउंटर अटैक के तौर पर देखा जा रहा है। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। दोनों ही पार्टियां तू डाल डाल मैं बात बात की रणनीति पर वार पलटवार कर रही है। अब मंगलवार से बीजेपी केदारनाथ में अनुकृति गोसाई को चुनाव प्रचार के लिए भेज रही है। अनुकृति कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की पुत्रवधू है, जो लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गई थी। लिहाजा अब केदारनाथ चुनाव प्रचार में ससुर और बहू का आमना सामना होने जा रहा है। इस सवाल पर अनुकृति गोसाई कहती है कि मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ, बीजेपी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगी। मेरा जो कर्तव्य है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपने कर्तव्य के पालन करूंगी। उससे पीछे हटना मैं सोचती हूं कि उससे पीछे हटने वाली मैं नहीं हूं, और डेफिनेटली जब मुझे पार्टी ने मुझ पर यह भरोसा जताया है, हमारे संगठन ने, हमारे नेतृत्व ने अगर मुझ पर यह भरोसा किया है कि अगर मेरे जाने से केदारनाथ उपचुनाव में थोड़ा सा कुछ भी जो फर्क पड़ सकता है, तो मैं जरूर अपना कर्तव्य पालन करते हुए निष्ठा के साथ जो जिम्मेदारी मुझे दी है मैं उसका पालन करूंगी। हरक सिंह आक्रामक चुनाव प्रचार के लिए जाने जाते हैं। वो पहले रुद्रप्रयाग से विधायक भी रह चुके हैं, लिहाजा केदारनाथ के क्षेत्र में भी उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। बीजेपी का अचानक अनुकृति को केदारनाथ में चुनाव प्रचार में उतारना इसी के काउंटर पार्ट के रूप में देखा जा रहा है। मेरा किसी से आमने सामने नहीं होता, मैं कभी देखा आपने किसी को सामने सामने, मैं तो कभी किसी सामना सामना करता ही नहीं। लेकिन एक ओर से हरक सिंह जी बोलोगे, दूसरी ओर से बातों काटी होगी। ठीक है, अपनी बात, अब लोगों को जिसकी बात समझ में आ जाए, ये तो लोगों पे निर्भर करता है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हरक सिंह को तो टिकट नहीं मिला, लेकिन वे बहू अनुकृति गोसाई को लैंसडाउन से कांग्रेस का टिकट दिलाने में सफल रहे। हालांकि अनुकृति को यहां हार का सामना करना पड़ा। अनुकृति अब बीजेपी में है, लिहाजा अब अनुकृति के जरिए बीजेपी कई सवाल ऐसे उठा सकती है जो हरक सिंह को नहीं कांग्रेस को भी असहज कर सकते हैं। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।